हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। आई नो एंड आई एम सॉरी कि मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी पिछले 2-3 दिन से तबीयत जो है वो थोड़ी लो थी, तो हम लोग थोड़ा सा डर भी गए थे कि कहीं कोविड ना हो, तो हमने सेफ साइड टेस्ट करवाया और वो टेस्ट की रिपोर्ट आज आई जो कि नेगेटिव है, अल्लाह का शुक्र है। तो हाँ, थोड़ी सी वीकनेस और बॉडी एक अभी भी है, लेकिन टेम्परेचर नहीं है, दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड क्योंकि कोविड नहीं है तो शायद नॉर्मल वायरल होगा या जो भी, और मेडिसिन भी चल रही हैं, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज तो मैं ब्लॉग बना ही लूँ, और आज मैं इफ्तारी बना रही हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं। और ये देखिए, ये जनाब यहाँ पे खड़े हैं, सो आज ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला था कि घर में जैसे जैसे एडिशन होगा चीजों का, वैसे वैसे ये आपको दिखाएंगे, तो आज एक बड़ी अच्छी सी चीज आई है ना। सो चलिए, अभी हम चलते हैं किचन में और हम करते हैं तैयारी इफ्तारी की। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या प्लानिंग की है। देखिए, मेरे पास एग्जैक्टली 1 घंटे के आसपास है, क्योंकि थोड़ा जल्दी रेडी होके नीचे भी चले जाते हैं हम लोग। सो मैंने सबसे पहले तो सोचा है कि मैं अम्मी का फेवरेट कुछ बनाऊंगी, तो एक अम्मी को गुड़ वाले गुलगुले बहुत पसंद है घर पे, और किसी को पसंद नहीं। आई थिंक आपने शोएब के वीडियो में भी ये बात देखी होगी, तो मैं एक वो बना रही हूँ। और अभी रिजा ऊपर आई थी तो मैंने उससे पूछा क्या बनाऊँ, तो उससे मुझे बताया कि अम्मी को 3-4 दिनों से पालक के भजिए खाने का मन कर रहा है, तो वो जिस तरह से अम्मी बनाती हैं वैसे मैंने कभी बनाए नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं याद कर करके उसके थोड़ा सिमिलर जो है रेडी कर पाऊं। और चलिए, अभी मैं बातें कम करती हूँ, मैं फटाफट स्टार्ट करती हूँ, वरना मेरे पास टाइम नहीं है और टाइम निकलता चला जाएगा। सो यस, सबसे पहले मैं एक प्याज जो है वो छोटा छोटा चॉप कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे चाहिए जो चने की चाट हम बनाते हैं उसके लिए, और भजिए के लिए बाकी जो 4 प्याज है वो मैं लंबे लंबे काटती हूँ। टाइम बहुत कम है इसलिए मैं आपको देख के भी बात नहीं कर रही हूं, मैं बस करती जा रही हूं। सो ये मैंने चॉप कर लिए हैं अनियंस और टमेटोज, ये चने की चाट के लिए है। इसके लिए मैंने, ये देखिए, काले चने जो रात में भिगोए थे ये बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। गुड़ के गुलगुले बनाने के लिए ये गुड़ पानी में घोल के रेडी है। काफी कुछ कटिंग चॉपिंग हो चुकी है मैंने, और मैं भूल गई थी मुझे शोएब के लिए पनीर भुर्जी भी बनानी है, क्योंकि शोएब अपनी डाइट फॉलो करते हैं, तो मैंने पनीर भुर्जी के लिए भी चॉपिंग कर ली है। ये देखिए, मैंने भजिया बनाने के लिए भी चॉपिंग कर ली है, बस अब ये पालक चॉप करके डालना है। लेकिन उससे पहले गुलगुले का जो बैटर है वो रेडी करके रख देते हैं, क्योंकि उसको करीब आपको 25-30 मिनट्स रेस्ट करने देना पड़ता है। तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें शुगर ली है एकदम थोड़ी सी, क्योंकि हम गुड़ डालने वाले हैं, और थोड़ी सी सौंफ, और अब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर, और अब ये तेल हल्का सा वार्म करके पहले हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, और इसके बाद जो गुड़ हमने पानी में पिघला के रखा है वो इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। फिर इसे छोड़ देंगे हाफ एन आवर के लिए। तो ये बैटर हो गया है रेडी, अब हम इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर, और तब तक हम बाकी सारी चीजें साइमल्टेनियसली करते हैं, एंड इंशाल्लाह सब कर पाएंगे हम। और ये भजिए के लिए मैंने पालक चॉप करके डाल दी है, और अब मैं डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना, और सबसे पहले स्लाइस्ड अनियंस नीचे डाले हुए हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। एंड अब मसाले डालेंगे, सबसे पहले जीरा पाउडर, इसके बाद रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं वरना मुंह में लगेगा। फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, एंड फिर नमक। तो ये मसाले हो गए अच्छे से मिक्स, नाउ टाइम टू पुट सम बेसन। अब मैं ये बेसन इसमें ऐड करूंगी और बहुत ही कम पानी डाल के इसका घोल बनाऊंगी, और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। सो मैं अभी सबसे पहले पापड़ फ्राई करके रख रही हूँ, क्योंकि जो चने की दाल हम लोग बनाते हैं पापड़ के साथ खाई जाती है, और अम्मी ऐसा कहती हैं कि इफ्तार पे ये चने की दाल और पापड़ का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो सुन्नत होते हैं इसीलिए। तो अब मैं ये फ्राई कर रही हूँ, इसके बाद मैं चने की दाल रेडी करूंगी। और पता है, आप कभी भी पापड़ फ्राई करके इस तरह से स्टील के डब्बे में रख देंगे ना, ढक के बंद करके, तो वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम पापड़ फ्राई करके बाहर हवा में रख देते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होते। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो कभी आजमाइएगा, देखिए।
सो अब मैं ये अलग अलग तरह के फ्राई कर रही हूँ. हम इसे बॉबी बोला करते थे, वो बॉबी. और ये साबूदाना के चिप्स, ये नीचे बच्चों को स्पेशली सबा को बहुत ज़्यादा पसंद है. वो जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए चलती है ना फॉर रमज़ान, तो वो ये ज़रूर ढूंढती है. पिछली बार लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल पाए थे, बेचारी ने पूरा महीना वेट किया था, पर इस बार मिल गए. So, पापड़ फ्राई करके मैंने डब्बे में रख दिए हैं. अब मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए. एक में मैं गुलगुले फ्राई कर लूंगी और एक में भजिए फ्राई कर लूंगी. और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चने, जो रात भर, एक्चुअली नॉट रात भर, सुबह उठ के अगर आप भिगो दो ना तो तीन चार घंटे बहुत होते हैं, भिगो के रखे थे. और इसमें ये मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालूंगी मसाले, नींबू और थोड़ा सा हरा धनिया. सो हमारी चाट भी रेडी है. चलो एक एक करके चीजें टिक टिक होती जा रही है. अब मैं जल्दी से इसे टेबल पे रख के पकौड़े फ्राई करना स्टार्ट करते हैं. यहाँ से मेरी हड़बड़ाहट और स्पीड दोनों बढ़ गई क्योंकि टाइम गुजर रहा है. रेडी विद द बैटर, रेडी विद द ऑयल. ये है स्पेशली फॉर अम्मी. 6 days टू गो फॉर अम्मीज बर्थडे. तो एक्चुअली ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि 27th को अम्मी का बर्थडे है. तो आज है 21, तो आज से 6 दिन के लिए एक काउंटडाउन प्ले किया जाएगा. तो आज होगा 6 days टू गो. तो इसीलिए मैं अम्मी की फेवरेट मतलब जो अम्मी को चाहिए था वो बना रही हूँ. अब कल भी सोचा जाएगा क्या बनाया जाए. हाँ, ये अम्मी के वन ऑफ मोस्ट फेवरेट्स हैं गुड़ के गुलगुले. तो ये मैंने स्पेशली उनके लिए बुलाए सॉफ्ट डाल के. और बस अभी ने फ्राई कर रही हूँ. हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया. 10 मिनट में हो जाएगा. बस मेरे गुलगुले फ्राई हो रहे हैं, मेरे पापड़ रेडी हैं और मेरे भजिए फ्राई हो रहे हैं. बस रेडी. आपकी भुर्जी बनी में लेट होगा मुझे. सो ये मैंने डाल दिया. अब इसको हम जल्दी से नींबू डाल के जो है फ्राई कर देते हैं. फ्राई, सॉरी. देखिए जब टाइम टिक टिक होता है ना तो बहुत ऐसे हो जाता है. तो इसमें हम नींबू डाल के इसको चर्न करें. सो ये है चने की दाल जो मैंने आपको बताया था हम बनाते हैं और पापड़ के साथ खाते हैं. तो इसे चने की दाल को भिगो लिया, उसमें खूब सारा हरा धनिया, खूब सारा पुदीना, जीरा पाउडर, नमक, नींबू डाल के चर्न कर लिया. हम ऐसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा. और ये आ गए हैं रिजा रेहान. ये रोज़ आ जाते हैं जब मैं इफ्तारी बनाती हूँ, इफ्तारी नीचे लेके जाने के लिए. तो ये लोग आ गए हैं, अब एक एक करके ये इफ्तारी नीचे लेके जाएंगे. बेटा देखो वहाँ रखा है डब्बे में पापड़ है, उसके बगल में भी कुछ रखा है, शायद चने की चाट रखी हुई है और फ्रिज में शरबत है. और ये हो गए हमारे गुड़ के गुलगुले रेडी. तुम तो नहीं साथ ले जा पाओगे. दाल और हमारी रिजा जो है वो लेके जाएगी. खुद भी अतरा बेशरम, पता है तो लेने के लिए इतना हिचकिचा था कि मैं लूं भाभी भूल गई. तो पिछले साल रेहान ने नीचे ले जाते वक्त पापड़ की एक फुल प्लेट नीचे गिरा दी थी और वो सारे पापड़ लास्ट मिनट पे टूट गए थे. तो इसलिए उसके बाद से हम हमेशा उसे छोड़ते हैं. और उसी डर से मैंने अब डब्बे में पापड़ डाल के भेजना शुरू कर दिया था. गिरे तो डब्बा गिरे, लेकिन उसी बात से मैं उसको छेड़ रही हूँ. और ये हमारी चने की दाल रेडी है. और यहाँ मैं ये पैक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन बहुत लेट हो गया था. तो मुझे पड़ गई शोएब से डांट कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ और इफ्तार का टाइम हो जाएगा तो ये गलत बात है. तो इससे मैं ये सब भूल गई और मैं चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह नीचे आ गई. आपके लिए राशन मंगवाया, आपका राशन खत्म हो गया. चलो अम्मी आज क्या तारीख है पहले ये बताओ मुझे. तारीख 21 तो क्या है आज आपका जन्मदिन, कितने दिनों बाद है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया 27 तारीख को अम्मी का जन्मदिन है. तो आज से हर दिन आपके लिए कुछ स्पेशल किया जाएगा. तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लोग अच्छे से रहो, मोहब्बत चाहिए. वो तो है ही. हाँ वो तो है, बस अल्लाह अच्छे से रहो, बीमारी सबकी ठीक हो जाए, बस यही तुम्हारा प्यार हमारा सब कुछ है. तो जैसे आज आपके लिए मैंने गुलगुले भी बनाए थे और भजिए, तो आज अम्मी के लिए वो स्पेशल था. और एक और चीज़ स्पेशल है, मुझे पैक करने का टाइम नहीं मिला. ये
हमारे लिए हाँ अभी तो बर्थडे का टाइम है ना, तो रोज कुछ मिलना चाहिए ना, 6 दिन है ना। पहले दिन पहले दिन अम्मी की पसंद छह दिन अच्छा लगता है, खाने की बहुत अच्छा है ना। कब लिया था वो? जब आपको जब सारे गिफ्ट मिल जाएंगे उसके बाद आखिरी दिन बैठ के मैं आपको सारी कहानी बताऊंगी कैसे लिया। अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा है कुर्ता है, कलर भी कितना अच्छा है ना कुर्ता सब, मतलब ये कुर्ता है, ये इसका प्लाजो है और ये दुपट्टा, बस अब इतना बहुत है। रोज रोज कुछ नहीं बना नहीं, रहा था दिन तो रोज नहीं, तो आपको मिलेगा अम्मी की, वो तो कुछ नहीं कर सकते है ना। देख उस दिन भी तुमने बनाया था वो हलवा, ये समझ गई थी हलवा वो गुलगुले बने वो बहुत सारी चीजें। दो दिन पहले मैंने बनाया था, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, लेकिन आज मुझे बेटर फील लग रहा था, तो इसलिए एक्चुअली मैं 10 दिन का करने वाली थी लेकिन वो नहीं हो पाया कि तबीयत खराब हो गई, और अब 6 दिन बचे हैं तो 6 दिन का करना तो मतलब पक्की बात है, तो अब से रोज आपके लिए कुछ ना कुछ खास। परेशान नहीं है ना, इतना अच्छा देखो तुम, बर्थडे से पहले मुझे गिफ्ट मिल गया, कितना खूबसूरत है, कलर देखो जैसे मुझे पसंद रहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पता नहीं, सपनों में नहीं था मेरे कुछ भी। बस हाँ बर्थडे के दिन एक मैं सोचती हूँ, वो भी ये ऐसा माहौल चल रहा है तो वो भी मैं नहीं सोच रही थी, लेकिन मुझे देखो कुछ ना कुछ तो होगा। सो मैं आ चुकी हूँ ऊपर और ये रिजा ने बना दी है चाय और मैं अभी चाय पी रही हूँ, और ये जनाब फोटो खींच रहे हैं, ये देखिए आ गए। ये अभी ये घर ऐसा हो गया ना कि यहाँ कोई छुप नहीं सकता क्योंकि ये मेरा फोन भी दिख रहा है क्योंकि पूरा मिरर है। अरे वैसे आप लोगों ने घर की बहुत तारीफ की है, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा सुन के, और वो ब्लॉग बहुत अच्छा ट्रेंड भी कर रहा था, इनफैक्ट शोएब के कंटिन्यूसली तीनों ब्लॉग्स ट्रेंड कर रहे थे, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। एंड बस अब मैं चाय पी लूँ, उसके बाद मिलते हैं। सो अब मैं आ गई हूँ अपने झूले पे बाहर बालकनी में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत समय से हमें इस तरह से बालकनी चाहिए थी, एक झूला चाहिए था, मुझे ये ग्रीन ग्रास चाहिए थी नीचे वॉल पे, तो हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। आज का मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन हाँ अगले आने वाले जो 6 दिन हैं वो अम्मी को बहुत स्पेशल फील करवाएंगे, और फिर उसके बाद 27th को जो है वो अम्मी का बर्थडे है, तो जितना लॉकडाउन में रह के हो पाएगा उतना अच्छे से करेंगे बस। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आने वाले दिनों में आपके साथ अच्छी कोई रेसिपीज शेयर कर पाऊँ, क्योंकि आई थिंक लॉकडाउन में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि हम कुछ अच्छा अच्छा खाना बना के खा सकें, मज़ा आता है, फैमिली को भी अच्छा लगता है, सबका मन भी अच्छा होता है, एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दैट कुकिंग इज थेरेप्यूटिक, सो मज़ा आता है। सो बहुत जल्द मैं आपके साथ कुकिंग व्लॉग शेयर करूंगी, एंड बस तब तक अगर ये आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने अब तक नहीं किया है प्लीज़ दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, बहुत सेफ रहिए, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलना प्लीज़। इस बार का जो कोविड है वो बहुत ज़्यादा स्कैरी और बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो प्लीज़ अपने आप अपनी सेफ्टी देखिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी देखिए, एंड और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि खुद को स्ट्रांग रखिए मेंटली भी फिजिकली भी, क्योंकि मैंने कुछ केसेस सुने हैं कुछ जो क्योंकि कोविड हो गया है तो पैनिक अटैक से जो है पेशेंट्स आर डाइंग, सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमने बहुत स्ट्रांग रहना है। यस बीमारी बहुत ख़तरनाक है, हम सब जो भी अपना बेस्ट कर पाएंगे खुद को इस पूरी सिचुएशन से, और बहुत लोगों के लिए जो है ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी कई लोगों के लिए लेके आ रहा है, गवर्नमेंट भी अपने क्राइसिस से जूझ रही है, मेडिकल इक्विपमेंट्स कम पड़ रहे हैं, हर कोई एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। सो लेट्स डू व्हाट बेस्ट वी कैन डू गाइस, हम और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सो अपने अपने लिमिट्स में रह के जो हम बेस्ट कर सकते हैं हम लोग वो करते हैं, एंड मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अपना खाना सही रखिए, टेक योर हॉट वाटर्स, टेक योर काढ़ाज, हल्दी का दूध, हल्दी का काढ़ा, ये सब रोज़ाना लीजिए, स्टीम लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप हैं आपको फीवरिश लग रहा है या नहीं लग रहा है, अगर आप बाहर जाके वापस आ रहे हैं इमीडिएटली टेक स्टीम, आपके घर में कोई बाहर जाके वापस आ रहा है एनकरेज देम टू टेक स्टीम, लेट्स कीप आवरसेल्व्स सेफ एज मच एज वी कैन, बाकी सब
ऊपर वाले की मर्जी. सो बस गाइज, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हैप्पी. एंड लेट्स उन सब के लिए दुआ की जाए जो इस वक्त बहुत ही मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं. एंड बस, लव यू ऑल. जल्द को लगा.